आपने बचपन में पेंसिल शार्पनर से छीली है तो बताओ शार्पनर के साइड में ये लाइंस क्यों होती हैं? और जब क्या हुआ जब एक बंदे ने अपने पिछवाड़े में बम घुसेड़ लिया। आइए जानते हैं। सन 1911 में जब अंग्रेज दिल्ली पर राज करने आए तब दिल्ली में कोबरा सांपों ने उनका जीना हराम कर दिया। अंग्रेजों ने कोबराओं से परेशान होकर इंडियन लोगों को आदेश दिया कि हाँ भाई जो बंदा जितने कोबरा सांपों को मारकर लाएगा उसे उतना ही ज्यादा और तगड़ा वाला इनाम मिलेगा। फिर हमारे हिंदुस्तानियों ने लालच के चलते ढूंढ ढूंढ कर सांपों को मारना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही अंग्रेजों को लगा कि भाई अब सांपों की संख्या अब कंट्रोल हो गई है वैसे ही उन्होंने सांपों को मारने पर रोक लगा दिया। लेकिन फिर अचानक कोबराओं की संख्या हद से ज्यादा बढ़ने लगी। बताओ कैसे? इसके पीछे जब ऑफिसरों ने जांच पड़ताल कराई तब पता चला कि जब ये अंग्रेजों लोगों ने सांपों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का आदेश दिया था तभी से कुछ हिंदुस्तानियों ने सांपों को पालना स्टार्ट कर दिया था ताकि उन्हें जल्दी जल्दी पाल पोस कर ब्रिटिश लोगों से इनाम ले सकें। और जब ये सांपों को मारने वाली स्कीम अंग्रेजों ने बंद कर दी तब इंडियंस ने सोचा कि भाई अब इन सांपों को पाल कर क्या होगा। और इन्होंने अब तक जितने सांपों को पाल रखा था उन्होंने एक साथ सभी सांपों को रिलीज कर दिया जिससे दिल्ली में एक साथ इतने सांपों की आबादी बढ़ गई। नंबर 2, अभी अमेरिकन मिलिट्री का डार्क सीक्रेट ध्यान से सुनो। ये बात है 2013 की। जिम स्टबन नाम के बंदे की माँ को अल्जाइमर था जिससे उनकी माँ की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। डॉक्टर ने जिम से कहा कि भाई आप अपनी माँ की बॉडी को यहीं छोड़ जाओ, हम इनके ब्रेन में रिसर्च करेंगे। और जेम्स ने बायोलॉजी रिसर्च सेंटर वालों को अपनी माँ की बॉडी को ये सोचते हुए डोनेट कर दिया कि इस बीमारी पर अच्छी तरह से रिसर्च हो जाती है तो बाद में शायद इस बीमारी से किसी की जान जा पाए। डॉक्टर का काम था डेड बॉडी से शरीर से और को निकाल कर ठीक से रिसर्च करना और बाकी की बॉडी को जलाकर उस अस्थियां परिवार को सौंप देना। यहाँ तक सब ठीक था लेकिन एक साल बाद बायोलॉजी रिसर्च सेंटर वालों पर रेड पड़ती है और यहाँ से पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन डेड बॉडी को प्रॉफिट के लिए बेच रही थी और उन डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी जेम्स की माँ की थी जिन्होंने जेम्स की माँ की बॉडी को $6,000 में बेच दिया था। और उसे बेचा किसे था? US मिलिट्री वालों को, जो कि मिलिट्री वाले डेड बॉडी पर खतरनाक वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता चला कि जेम्स की माँ की बॉडी के साथ कुर्सी पर बैठा कर बम से उड़ा दिया गया था ये टेस्ट करने के लिए कि जब दुश्मन किसी इंसान पर बम से अटैक करता है तब इंसान का क्या हाल होता है। जब ये बात जेम्स और बाकी लोगों के पता चली तब उन्होंने बायोलॉजी रिसर्च सेंटर वालों पर केस ठोक दिया और बाद में बायोलॉजी रिसर्च सेंटर वालों ने $58 मिलियन का मुआवजा सभी को दिया और सेंटर पर ताला पड़ा वो अलग। देख रहे हो फ्रॉडगिरी सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी अमेरिका इन देशों में भी चल रही है। नंबर 3, फ्रांस में रहने वाले 88 साल के चाचा ने वर्ल्ड वॉर में मिले 8 इंच लंबे और 2 इंच चौड़े एक बॉम्ब को अपने छोटे से पिछवाड़े में इतनी बड़ी चीज डाल दी। और जब पता चला कि वो खेल खेल में बॉम्ब ज्यादा अंदर घुस चुका है तब चाचा भागे भागे हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उस बॉम्ब को बड़ी मुश्किल से चाचा के एनस से निकाल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि चाचा के पिछवाड़े में ये बॉम्ब नहीं फटा, नहीं तो चाचा का क्या क्या फटकर हाथ में आ जाता वो तो आप समझ ही सकते हो। नंबर 4, क्या आपने कभी पेंसिल का यूज किया है? और जब अपनी पेंसिल को छीलना होता था तब हम शॉर्पनर से पेंसिल को साफ करते थे लेकिन क्या आप जानते हो शॉर्पनर के ये बगल में ये दोनों तरफ उठी हुई लाइंस क्यों होती हैं? ये इसलिए होती है, आपने देखा होगा कि जब आप पेंसिल के लिए शॉर्पनर में छीलते हो तब पेंसिल की नोक बहुत ही नुकीली हो जाती है जिससे ये लिखते समय काफी प्रॉब्लम देती है। और अगर आप इन लाइंस में पेंसिल को रगड़ोगे तो पेंसिल की निब एकदम शेप में आ जाएगी। और इसका दूसरा काम है हाथों में ग्रिप देना जिससे हम इसे टाइटली शार्पनर को पकड़कर पेंसिल को छील सकें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आपके लिए एक मजेदार प्रश्न, जो सबसे पहले इसका जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। कलुआ की माँ के 4 लड़के हैं, पहले का नाम है सोम, दूसरे का नाम है मंगल और तीसरे का नाम है बुध। बताओ कलुआ की माँ के 4th लड़के का क्या नाम होगा? सोच समझ कर आंसर टाइप करना।